लक्ष्मण, मेरी आज्ञा है कि तुम रावण के पास जाओ और उससे पहले कि वो प्राण त्याग दें, उनसे शिक्षा प्राप्त करके आओ। भैया, आप चाहते हैं कि मैं हमारे शत्रु के पास जाऊं, उस राक्षस के पास जिसे अभी भी स्वयं आपने युद्ध में पराजित किया है, उस दुराचारी के पास जिसने मेरी माता तुल्य सीता का अपहरण किया? क्या ये सत्य नहीं कि माता सीता के अपहरण के पश्चात आपको उस राक्षस पर बहुत क्रोध आया था, दास जटायु के हत्यारों को दंड देने का संकल्प आप ही ने किया था, फिर अपने शत्रु पे दया और आदर? हे सुमित्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। अवश्य रावण हमारा शत्रु था, अवश्य उसने पाप कर्म किए थे, परंतु रावण राक्षस राज होने के साथ साथ एक परम विद्वानी ब्राह्मण भी है, और ज्ञान जहां से भी मिले हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। चलो, हम दोनों ही साथ चलते हैं। हे राक्षस राज, मैं अपने भैया श्री रामचंद्र की आज्ञा अनुसार आपसे शिक्षा लेने आया हूं। अगर आप उचित समझे तो मुझे कुछ उपदेश दे। हे लक्ष्मण, इस समय इस क्षण जब मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूं तो तुम्हें उपदेश चाहिए। सबसे पहले तो ये सीखो कि शिक्षा ली कैसे जाती है। मेरी चरणों की ओर आओ, मेरी चरणों की ओर आओ, मेरे सर पर चढ़कर शिक्षा मत प्राप्त करो। अपने भ्राता श्री राम को देखो, किस तरह हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक वो मेरे चरणों की ओर पड़े हैं। ऐसे ही तुम्हें भी मेरे चरणों की ओर आना होगा। हे लक्ष्मण, मेरा अंतिम उपदेश यही है कि जिस कार्य को जब ठानो तुरंत पूरा करो, उसे कल पर कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जितनी शक्ति है उतनी ही उड़ान भरो, अन्यथा मेरी तरह तुम भी धरातल पर ऐसे ही गिरे मिलोगे। और हाँ, एक बात और, अपने बाहुबल पर भरोसा रखो, दूसरे के बाहुबल पर कदापि नहीं। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। हे राम, मैं शक्तिहीन हो रहा हूं, मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे। हे लंकापति, आपका कल्याण हो, आप लोगों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे।